यार सुपर एक नोड नहीं लगता अरे कहाँ सुपर नोड है यार, तुम यार जबरदस्ती का रिटेटिंग जब बोलते हो ना तो बहुत ही गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर। अभी समझा चुके हैं कि जब दो नोड के बीच में सिर्फ वोल्टेज सोर्स रहेगा तो सुपर नोड होगा। कहाँ है इसमें सुपर नोड, दिखाओ जरा हमको। तुम्हारी आंखें है कि बटन है, बताओ कहाँ है इसमें सुपर नोड। या तो सुनते नहीं हो या फिर तुमको डिस्टर्ब करने की आदत है बीच में। एक बार नहीं 10 बार बोल चुके हैं आप कि जब दो वो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स रहेगा सिर्फ तभी उसको सुपर नोड बोलेंगे। ये तुमको सुपर नोड दिखाई दे रहा है वो। एक ही चीज को 10 बार बोलने की आदत है। अरे जो चीज जेन्युइन क्वेश्चन है उसको तो हम खुद ही ट्रीट कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। एक बार नहीं 10 बार बता चुके, यहां भी समझाया आपको, उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि देखिए यहाँ पे एक सुपर नोड है, ये सुपर नोड है, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं। या तो जरूरत से ज्यादा तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तो तुमको कोई जरूरत नहीं है लेक्चर करने की। एक ही चीज को 10 बार बताने की आदत नहीं हमारी है, तब तो यही इसी में घूमते रह जाएंगे 10 बार। आपको क्वेश्चंस भी करवाए, सॉल्व भी करवाए, और उसके बाद जो है आपको एक ही क्वेश्चन जो है 25 बार आप रिपीट करेंगे। चलिए कीजिए अब। इस सवाल को लगाइए, आप ही लगाइए, बहुत ज्यादा बोल रहे थे यार। लगाइए इस सवाल को, आप सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा तुमको, लगाइए सर बताइए कैसे लगेगा ये। जरा जरा सभी पेशेंस नाम की चीज नहीं है। एक एक करके आ रहे हैं, ए पढ़ाए नहीं जेड के पीछे आ गए। नहीं कुछ लड़कों को बहुत ज्यादा आदत होती है ना। अब तुमको कोचिंग की आदत और क्लास 12 की आदत पड़ी हुई है, इंजीनियरिंग तो पहली बार पढ़ रहे होगे। अब तुमको पता नहीं है कि इंजीनियरिंग में किस तरीके से टीचर से डील किया जाता है। 10 बार समझा चुके हैं तुमको लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है ना। एक्शन ले लेंगे एक बार तो सब धरा का धरा रह जाएगा तुम्हारा। बताइए कैसे लगेगा, बोलिए बताइए कहाँ कहाँ पे इसमें सुपर नोड है। दो जगह है, V1 और रेफरेंस इसके और बीच में देखिए ये हमने बनाया है। यहाँ पे आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। हाँ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स है, और यहाँ पे यहाँ पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स।